नमस्कार दोस्तों, ओपन सीजन, समर सीजन, ओपन सीजन चालू कर देते हैं अब इकोनॉमिक्स, जो 10 दिन का कुंभ लगने वाला। हाँ, ओ सॉरी, चेंज कौन करेगा यार, मेरे को ही करना है। हाँ यार, तो आ गए फॉर्म में। अब तुम लोगों से कुछ बात करनी है, और थोड़ी पर्सनल बात है। नहीं, मैं किसी की बातें नहीं कर रहा, बस नॉर्मली आपकी और मेरी थोड़ी बात, खासकर मेरे वो टीम कॉमर्स बाबा के मेंबर्स जो के अभी मैथमेटिक्स को लेके परेशान हैं। क्या करें, कैसे करें बाबा जी, थोड़ी सी तो एडवाइस दे दो। तो चलो यार, उनके लिए थोड़ी सी बात करना चालू करते हैं। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैथमेटिक्स अभी पढ़ना ज़रूरी है या उसके साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी 16 तारीख है, 16th, अब 16th ऑफ मार्च से लेके 16th, 17th, 18th, 19th भी ले लो, ये 4 दिन आप मैथमेटिक्स को दो, लेकिन साथ साथ में आप पता है क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, 2-3-4 घंटे, मतलब 4 घंटे भी मैक्सिमम, क्योंकि दिन भर आप फ्री हो, आप सुबह के 4 घंटे दे दो या शाम के 4 घंटे दे दो इकोनॉमिक्स में, और ज़्यादा मत करो। पता है मैं क्या कह रहा हूँ, कि सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स इकोनॉमिक्स के हैं, और साथ साथ में अगर मैं बोलूँ तो जो ग्राफ आपके इकोनॉमिक्स के अंदर हैं, जिसके अंदर बेसिकली रिलेशंस दिए हुए हैं, वो उठा के कर लो, आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से उसको रिलेट कर पाओगे, उसमें मज़ा आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग आएगी कि यार मैं मैथमेटिक्स से, पता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं कर अभी भी कैलकुलेशन ही रहा हूँ, ग्राफ्स ही देख रहा हूँ, एंड ग्राफ्स यू नो आर क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, सो यू विल फाइंड अ फीलिंग, यू विल फाइंड अ थिंग कि यार नहीं, मैं कुछ ज़्यादा अलग नहीं कर रहा हूँ। चलो यार, ये भी कर लिया, ये हमारे मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है, दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए है, टीम कॉमर्स बाबा के मेंबर्स के लिए है, कि कोशिश करो कि मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स को मैनेज करो। अब 19th तक क्यों बोला बाबा जी, देखो जिन लोगों को मैथमेटिक्स को लेकर डर है, क्योंकि आप CBSE पे कुछ खास भरोसा नहीं रख सकते हो, और रीसेंट केसेस जो हुए हैं उसके बाद तो बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकते हो, तो कुछ मत करो, सिर्फ अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो, और CBSE के ऊपर डिपेंड मत करो। CBSE का पेपर लीनियंट आएगा, टफ आएगा, मैथमेटिक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सरप्राइज एलिमेंट लेके एग्जाम हॉल के अंदर एंटर हो। तो अगर मैथमेटिक्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बहुत सही कर रहे हो, बिल्कुल रिस्क मत लो, कोशिश करो कि जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, बाबा जी सिर्फ एडवाइस देने के लिए, करना तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल मोटिव होना चाहिए, बोला ना, तुम लोग सुपर हीरो हो, तुम लोग अपना डिसाइड करो, यहां पे मैं सिर्फ एडवाइस देने के लिए हूं। अगर इकोनॉमिक्स हैंडल हो जाएगा, बिल्कुल हैंडल करो, लेकिन याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इजी और टफ, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, सो बेटर नॉट टू टेक एनी चांस। ठीक है बाबा जी, आपकी बात सुन ली, तो क्या कहना चाह रहे हो, कोशिश करो कि इकोनॉमिक्स को अगर पहला तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो 16, 17, 18 मैक्सिमम क्लोज इट, 3 दिन सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ पढ़ के खत्म कर दो। आगे क्या करोगे, कैसे और मैनेज करें बाबा जी, 19 और 20 ये 2 दिन वो दिन होने चाहिए जब आप सिर्फ मैथमेटिक्स पे ध्यान दोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करोगे, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। ठीक है, 21 आ गया, आपने मैथमेटिक्स का पेपर दे दिया, अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी है, आप 2 दिन माइक्रो उठाओगे, 2 दिन मैक्रो उठाओगे, और पूरा सिलेबस क्लोज कर दोगे, क्योंकि 23, 22, 23, 24, 25 आपका हो जाएगा, 26th को आपका पेपर है, इकोनॉमिक्स के अंदर सैंपल पेपर देखने से भी काम चल जाता है, एक सॉल्व कर लो, एक से ज्यादा सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स के अंदर डजंट हेल्प मच, मतलब अगर आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करके उसके हिसाब से एक और सैंपल पेपर देख के भी चले जाओगे, वेल एंड गुड। अब आ जाते हैं आईपी वाले बच्चों के पास, कि भाई बाबा जी बताओ यार कि आईपी के पेपर में क्या करें, तो दोस्तों यार ध्यान से सुनना, आईपी के लिए 16th, 17th, 18th, 19th, ये 4 दिन तुम्हारे पास हैं, सेम जैसा मैं मैथमेटिक्स में बता रहा था वैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उन 4 दिनों में आधा दिन आईपी को दो, आधा दिन अपने इकोनॉमिक्स को दो, कोशिश करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके बैठो, क्यों, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कम है और कॉम्प्लिकेटेड कम है, वाई, बिकॉज चैप्टर्स जो है इलेबरेटेड ऐसे हैं कि दिमाग में जिसने अच्छे से पढ़ा होगा बैठ चुके होंगे, जिसको जो पसंद आता है, मैंने मैक्रो इसलिए बोला फिनिश ऑफ करना आसान है उसको,
मेरे अपने रीजंस हैं उसके लिए, जो तुम्हें अगर मैं बेसिकली बताऊं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चीजें बहुत प्रिसाइज मैनर में दी हुई हैं, ऑल्दो बहुत सारी हैं लेकिन प्रिसाइजली दी हुई हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली स्कैटर्ड माना जाता है, बहुत सारे ग्राफ भी करने हैं, रिलेशंस भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, उसके बाद अजम्पशंस भी बहुत सारे लर्न करने पड़ते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कैटर्ड ज्यादा है जो कि ज्यादा अटेंशन मांगता है। आपके ऊपर है आप माइक्रो चूज करना चाहते हो। अपने हिसाब से मेरी सलाह मानते हुए जैसे भी तुम लोग मैनेज कर सकते हो वैसे मैनेज करने की कोशिश करो, और डिटेल्ड जो आपके लिए टाइम टेबल्स हैं मैं आगे भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैथमेटिक्स वालों से थोड़ा अपना वाला डिस्कशन था कि तुम लोग मैथमेटिक्स के साथ कैसे किस तरीके से इकोनॉमिक्स को हैंडल कर सकते हो। तो आई होप कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। जिन लोगों का अच्छा खासा गैप है उनके लिए मैं आ रहा हूँ पूरे टाइम टेबल के साथ, जो 10 दिन में तुम लोग बढ़िया महाराजा जैसे एकदम बढ़िया नींद पूरी करने वाले हो ना, उनके लिए भी मैं आ रहा हूं। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से आते हैं ना मिलते हैं ना, धन्यवाद।